बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीनवा। कीनवा मैंने लिया है ट्राई कलर में, आप प्लेन भी ले सकते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीनवा को धो लें और धोने के बाद उसको छन्ने में रख दें ताकि पानी निकल जाए इसमें से। एक सॉस पैन ले लें, इसके अंदर मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल 3 टेबलस्पून। एक लहसुन का जवा लिया मैंने, उसको हम क्रश करके डालेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कीनवा में। हल्का सा ये गोल्डन हो जाएगा लहसुन, तब इसमें मैं हम डालेंगे और चीज़ें। एक तेज़पात। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी कीनवा को। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून पिसा जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून ही इसमें जाएगा नमक। मैंने वेजिटेबल ब्रॉथ बना के रखा है, वो हम इसमें डालेंगे। आप पानी भी डाल सकते हैं। 1.5 कप मैं डालूंगी इसके अंदर वेजिटेबल ब्रॉथ। डेढ़ कप डालने के बाद इसको हम ढककर पकने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए लो फ्लेम पे। मैंने बेल पेपर को काट के रखा है, रेड एंड ग्रीन बेल पेपर लिए मैंने। किनवा को चेक कर लें, जब किनवा गल जाएगा जब हम इसमें सब्जी डालेंगे। इस टाइम पे ये गल गया है। अब इसके अंदर मैं सब्ज़ी डाल के 2 मिनट के लिए ढक के रखूँगी ताकि अच्छी तरह से इसमें बेल पेपर की खुशबू आ जाए। सब्ज़ी हमें क्रंची चाहिए, बहुत नरम नहीं करनी है। किनवा हमारा बन गया है, अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। अगर आप डाइट कर रहे हैं तब आप ये बना के देखें, बहुत मज़े का बनता है। सैलेड में भी आप किनवा को डाल सकते हैं। बनाकर ज़रूर देखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।